प्रवासी साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए जानी मानी एवं प्रतिष्ठित लेखिका रेखा राजवंशी की लिखी हुई उनकी एक रीसेंट कहानी गर्मा गर्म पकौड़े। लेखिका होने के साथ साथ एक कवित्री व रेडियो कलाकार रेखा राजवंशी सिडनी में विशेषज्ञ अध्यापिका हैं। ऑस्ट्रेलिया आने से पूर्व दिल्ली में वे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवक्ता थीं। रेखा जी ने सामुदायिक विद्यालयों में साप्ताहांत में हिंदी पढ़ाने के साथ साथ सिडनी विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हिंदी पढ़ाई है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सिंग मी टू स्लीप द बुलेट्स फॉल लेट मी फॉरगेट द वॉर एंड ऑल डैम्प इज माई डग आउट कोल्ड इज माई फीट नथिंग बट बिस्किट्स एंड बुली टू ईट। गोलियां चल रही हैं मुझे सुला दो मुझे युद्ध और सब कुछ भुला दो मेरी खाई नम है मेरे पैर ठंडे हैं खाने के लिए कुछ नहीं बिस्कुट और बुली अर्थात गाय के मांस के सिवा। लगभग 1918 में आरजी ए बारविक ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनी डायरी में ये लोकप्रिय सैनिक का गीत लिखा था। गली पोली की विषम परिस्थितियों में इतने महीनों से लड़ते लड़ते हजारा सिंह और सभी सैनिक थक चुके थे। हजारा सिंह को आज भारतीय भोजन की बहुत याद आ रही थी। हजारा सिंह को फ्रंट पर अक्सर याद आती हैं बीजी और उनसे ज़्यादा याद आते हैं उनके हाथ के बनाए हुए गर्मा गर्म पकौड़े लस्सी के बड़े से गिलास के साथ प्लेट भर प्याज और आलू के पकौड़े। जब भी इस बारे में सोचते तो घंटों उनकी जबान पर स्वाद बना रहता। बीजी के हाथ का खाना जैसे अमृत। उन्हें याद आया कि सालों से बीजी को नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले भी उन्होंने 5 साल तक बर्मा में और 32वीं सिख रेजिमेंट के साथ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे ऑस्ट्रेलिया की सेना में भर्ती हो गए थे। हजारा सिंह को ब्रिटिश सेना के सैनिक के रूप में 31 मार्च 1916 को सिडनी न्यू साउथ वेल्स से स्टार ऑफ विक्टोरिया जहाज़ से अलेक्जेंड्रिया भेजा गया जहाँ से वे ब्रिटिश सैन्य बल के साथ गली पोली भेज दिए गए। हजारा सिंह की तरह अनेक देशों के लोग ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर आ तो गए थे पर उन्हें गली पोली की जटिलताओं का भूलकर भी एहसास नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना के रूप में तब बहुत अधिक भारतीय नहीं थे पर जो थे समय मिलने पर रोटी चिकन करी और सब्जी बना लिया करते थे। राशन इतना कम मिलता था कि पेट भर खाना तो सपना था जिंदा रहने भर का खाना ज़रूर बन जाता था। एक दिन हजारा सिंह थककर अपने बंकर में लेटे ही थे कि तभी आवाज़ आई, सिंह चपाती मिलेगी क्या? उनकी तंद्रा टूटी और उनके थके शरीर में जैसे फुर्ती आ गई। उन्हें पता था कि खच्चर चलाने वाला सिंपसन ही था जो अक्सर कुत्ते की तरह उनके बंकर को सूंघता रहता और करी की महक आते ही लार टपकाने उनके पास आ जाता। पर सिंपसन सबका चहेता बन गया था। हजारा सिंह को याद है कि करीब 1 हफ्ते पहले ही वो सिंपसन से मिले थे जब वो एक घायल भारतीय सैनिक को अपने खच्चर पर लेकर आया था। घुंघराले बालों वाला सिंपसन सदा मुस्कुराता रहता। उसे देखकर जैसे सब में उत्साह भर जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना होगा बस, हजारा सिंह ने कहा। ओके मैं थोड़ी देर में आएगा, सिंपसन ने खुश होते हुए कहा और हजारा सिंह बच्चे खुशे आटे को गूंदने बैठ गए। वे जानते हैं कि मात्र 15 रुपये महीने वेतन पर जाने कितने भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे हैं। भले ही राशन नाप तौल के मिले पर जब मौका मिले खाना वे खुद ही पकाना पसंद करते हैं। पाजी बड़ी जोर की भूख लगी है, आप बना रहे हो कल की थोड़ी सी करी भी है, सब्जी के साथ चपाती खा सकते हैं? नैन सिंह की आवाज़ से उन्हें थोड़ी राहत मिली। चल ठीक है, नहीं तो रूखी चपातियाँ खानी पड़ती, उन्होंने धीरे से कहा और पत्तों में आग जलाकर चपातियाँ सेकने लगे। सच बात तो ये है कि महीनों से किसी को घर का खाना मिला भी कहाँ था, तोपों और गोलियों के बीच खाना आता भी कहाँ से। मांस चावल ब्रेड जैम कोको चाय और एंजेक बिस्कुट से सब ऊब चुके थे। युद्ध की विभीषिका में मिठाइयाँ तो याद आती ही थीं। ब्रिटिश सरकार एक बार मिठाइयाँ मंगवाने की सोच भी रही थी पर बात वहीं की वहीं रह गई। उसके अतिरिक्त गर्म पकौड़ों की भी बहुत याद आती थी। पहला विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व के अधिकतर शक्तिशाली राष्ट्र इसमें जुड़ चुके हैं।
गांधी जी के सुझाव पर भारतीय भी ब्रिटिश सैन्य शक्ति के रूप में युद्ध में शामिल हो चुके हैं। युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत को आज़ाद कर देंगे, सुना है यही शर्त रखी गई है। भारतीय सेना के युद्ध के दौरान 8 लाख से अधिक पुरुषों ने सेना के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है और 4 लाख से अधिक ने गैर लड़ाकू भूमिकाओं, धोबी, खानसामे, नाई और मजदूर के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है। 1915 में भारतीय सेना के लगभग 16,000 सैनिक, जिनमें गोरखा, सिख, मुस्लिम और हिंदू शामिल हैं, तुर्की में 8 महीने से गली पोली अभियान में ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं। हजारा सिंह जैसा दिलदार और बहादुर सैनिक पूरी सेना में शायद ही कोई हो। वैसे तो भारतीय सैनिक अपने हिसाब से लंबे चौड़े भले हों, पर अंग्रेज़ों की तुलना में छोटे ही लगते हैं। कभी कभी हजारा सिंह को लगता है कि वे सभी इस गली पोली प्रायद्वीप में लड़ते लड़ते ही शहीद हो जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि इन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कितने गरीब सैनिकों की बल चढ़ाई है। और अब जर्मनी का नया सम्राट विल्हेम द्वितीय पर जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का भूत सवार है, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों के लिए जर्मनी एक खतरा बन गया है और शुरू हो गया है विश्व युद्ध। अब इस युद्ध में अनेक देशों की सेनाएं शामिल हो गई हैं। प्रमुख देशों में एक तरफ इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की हैं, तो दूसरी तरफ मित्र देशों के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान, और वर्ष 1917 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया है। गली पोली अभियान लंदन में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्लैक सागर और एजियन सागर के बीच जल मार्ग पर नियंत्रण करके युद्ध से तुर्क साम्राज्य को खत्म करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद मित्र राष्ट्रों की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए अपने मुख्य शत्रुओं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को परास्त करने का निर्णय लिया है और तुर्की के गली पोली पेनिनसुला में प्रवेश किया है। परंतु गली पोली की विषम परिस्थितियों का पहले किसी को आभास न था। अब यहाँ की गर्म जलवायु, पीने के पानी की कमी, प्रदूषित भोजन, सैनिकों के सड़े हुए मृत शरीर और गंदगी की वजह से मक्खियों के विशाल झुंड ने सैनिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। शुद्ध हवा के अभाव में जाने कितने लोग मर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र होने की वजह से इस इलाके में सैकड़ों किलोमीटर तक बस सिर्फ बदबू ही बदबू आती है। ऐसा लगता है कि नर्क धरती पर उतर आया हो। हजारा सिंह जैसे अनेक लोग अब ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का सपना देखना भी भूल गए हैं। कुछ सच है तो सिर्फ गली पोली का यह युद्ध क्षेत्र। चाहे कुछ भी हो, वे इतना जानते हैं कि जिस देश का नमक खाया है उसके लिए जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दे देंगे। वाह, क्या स्मेल है चपाटी के साथ करीबी, आज तो पार्टी हो जाएगी मेरी। खाना बनाने के सिम्पसन साहब हाजिर हैं, लो खाओ, ये रही आपकी प्लेट। हजारा सिंह ने भी मुस्कुराते हुए प्लेट उनको थमा दी। उनको सिम्पसन बहुत अच्छा लगता है, उसके पास एक बिस्कुट भी हो ना तो मिल बांट के ही खाना चाहता है। वो उन गोरों की तरह नहीं है जो उन्हें अपने से कमतर समझते हैं। वैसे भी भारतीय मूल के सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम तनख्वाह मिलती है, दूसरे राशन भी आधा दिया जाता है, और तीसरे वे चाहें भी तो किसी भी कैंटीन से उन्हें कुछ खरीद पाने का अधिकार उनको नहीं है। हजारा सिंह जब परेशान होते हैं तो आंखें बंद करके लेट जाते हैं और जाने कब उनका अतीत उनकी आंखों के सामने आ जाता है। याद आते हैं पिता जो अपने परिवार के साथ नवा शहर पंजाब में रहते थे। घर में पैसा कम था पर सब खुश थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उनके दोनों भाई दलीप सिंह और जशील नवा शहर में ही थे। शायद उनकी अब तक शादी भी हो गई हो, या वे भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए हों, या छोटे छोटे बच्चों के बाप बन गए हों। अच्छे जीवन की तलाश में हजारा सिंह 13 अप्रैल 1897 को कलकत्ता से सिडनी ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के गुंडागई इलाके और उसके आसपास वे एक फेरी वाले के रूप में काम करने लगे थे और जल्दी पास के एक शहर ब्रगल में बस गए थे, जहां उन्होंने 1908 में एक स्टोर भी खोल लिया था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले हजारा ने 5 साल तक बर्मा और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। एक बहादुर सिख परिवार से थे आखिर, जिनकी रगों में देश के लिए मर मिटने का खून बहता है। उनसे पहले जाने कितने पुरखों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थीं,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके खून ने फिर उबाल मारा और वे दिसंबर 1915 को न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलियाई इंपीरियल फोर्स में भर्ती हो गए। 1916 में हजारा सिडनी से स्टार ऑफ विक्टोरिया जहाज पर सवार होकर अलेक्जेंड्रिया पहुँचे और ब्रिटिश सैन्य बल में शामिल हो गलीपोली पहुँच गए। उनके गलीपोली पहुँचने के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। तुर्की के सैन्य गलीपोली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वे हमला कर रहे थे, जिससे मित्र फौज के बहुत से सैनिक हर रोज़ मर रहे थे। मौसम भी अनुकूल नहीं था। गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी होती और सर्दियों में इतनी ठंड होती कि इतनी मोटी यूनिफॉर्म में भी सैनिक थरथर कांपते। रोज़ नई बीमारियाँ फैल रही थीं, लोग मर रहे थे और उनको दफनाने तक की सुविधा नहीं थी। प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं बची थी। तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही थीं। सब लोग दुखी थे, पर जिंदा रहने के लिए कभी कभी दुख में भी सुख ढूंढना ज़रूरी हो जाता है। उस दिन सेना को राशन मिला ही था। उनकी बंकर के सैनिकों ने आज खाना बनाने की सोची। वैसे भी कल रहें न रहें क्या पता, कम से कम आज तो पेट भर के खा लें। फ्रंट पर आज कुछ शांति भी थी, सो सबने मिलकर चपातियाँ और करी बनाई। चपातियाँ और करी बने और सिम्पसन ऐसे मौके पर ना पहुँचे, ये तो संभव ही नहीं था। जैसे उसकी नाक में करी की खुशबू सूंघने के स्पेशल यंत्र फिट हों, वो भी तुरंत ही आधम का। कई दिन बाद सबने स्वाद लेकर ताज़ा खाना खाया। कुछ सैनिक परिवार को याद करके रोए और कुछ बहादुरी के जज्बे में रहे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उन सबसे कम उम्र के नैन सिंह ने पंजाबी गाना भी गाया। शायद वही दिन हजारा सिंह की ज़िंदगी में यादगार दिन बनकर रह गया था, क्योंकि उसके 15 दिन बाद सिम्पसन के मारे जाने की खबर मिली। उसके इस तरह चले जाने से हजारा ही नहीं सबका मन टूट गया। जॉन सिम्पसन किर्क पैट्रिक, हाँ यही उसका पूरा नाम था। वो तब मात्र 22 साल का युवा था। उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1910 में मर्चेंट नेवी से अलग होने के बाद उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में भ्रमण किया और विभिन्न प्रकार की नौकरियों में काम किया। फिर वो ये उम्मीद करते हुए ऑस्ट्रेलिया की सेना AIF में भर्ती हुआ कि इस तरह उसे इंग्लैंड वापस जाने का मौका मिलेगा। पर सिम्पसन को अन्य लोगों के साथ अप्रैल 1915 में एनजैक कोव में भेज दिया गया था। उसे अपने खच्चर पर घायल सैनिकों को युद्ध स्थल से उठाकर लाने का काम दिया गया, जिसे वो खुशी खुशी करता। अपनी खुशमिजाजी के कारण इतने कम समय में ही वो सैनिकों के बीच लोकप्रिय हो गया था। वो भारतीय सैनिकों से भी घुल मिल गया था। अन्य लोगों की तरह हजारा सिंह उसे बहुत पसंद करते थे। किसे पता था कि इंग्लैंड जाने का सपना सजाए सिम्पसन मात्र 4 सप्ताह से ही कम समय में उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाएगा। जब खबर मिली तो हजारा सिंह के दिल से एक टीस उठी और आंसू का एक कतरा उनकी आंखों से गिरने से पहले ही सूख गया। कभी कभी अनजान लोग परिवार से बढ़कर आपके अपने बन जाते हैं और सिम्पसन जाने कब उनके दिल का एक टुकड़ा बन गया था। उसके जाने का दुख तो था ही, पर उन दिनों गली पोली में लोग कई तरह की बीमारियों के चपेट में भी आ रहे थे। इनमें विशेष रूप से पेट खराब होना अर्थात पेचिश सबसे प्रमुख था और शौच की कोई व्यवस्था न होने से प्रदूषण बढ़ने लगा। इसके अलावा भी सैनिक पीलिया, अल्सर, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। ऐसे में हजारा सिंह भी बीमार हो गए। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। अस्थमा से पीड़ित होने पर हजारा को पहले फ्रांस के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर उन्हें इंग्लैंड में जनरल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें याद है, जब वे अस्पताल में थे तो उनके गांव के पास का एक सिख भारतीय परिवार उनसे मिलने आया। पाजी, मैं खुशवंत और ये पम्मी। आपके बारे में पिंड से पता चला था कि आप यहाँ से हो। आप अस्पताल से निकलने के बाद कुछ दिन हमारे साथ रहें, आपको आराम की ज़रूरत है। जी, अब हम आते रहेंगे, कुछ खाने का मन हो तो बता दें, पम्मी कह रही थी। सुनकर हजारा सिंह की आंखें नम हो आईं। वे अपने साथ हजारा सिंह के लिए खाने का डिब्बा लाए थे। जाने क्यों सलवार सूट पहने उस महिला को देखकर हजारा सिंह को अपनी बीजी याद आ गई। उस दिन महीनों बाद उन्हें घर का खाना नसीब हुआ था। कुलवंत और पम्मी लगातार उनसे मिलने आते रहे और लगभग महीने भर बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो कुलवंत उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुँचे तो देखा कि पम्मी उनके लिए प्याज और आलू के गर्मा गर्म पकौड़े और लस्सी बना रही है।
जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई। इस वक्त शायद हजारा सिंह कुछ और भी मांगते तो उन्हें भी वो उस दिन मिल जाता। बरसों बाद चटनी के साथ जब पकौड़े खाए तो मनी मन पम्मी को जाने कितनी दुआएं दे डाली। घर के खाने और देखभाल से हजारा सिंह तन और मन से स्वस्थ होने लगे। उन दिनों उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली ब्रिटिश लड़की एडा से हुई। जाने कैसे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हजारा सिंह पंजाब के गबरू जवान, खुश मिजाज और जीवन से भरपूर। उन दिनों सैनिकों के प्रति सबके मन में आदर था। वे अक्सर खुश रहते। रात को खाना खाते समय लोग उनसे युद्ध के किस्से सुनाने को कहते। जाने कब पम्मी के पड़ोसी एडा भी आकर बैठ जाती और मंत्रमुग्ध सी उनसे किस्से सुनती रहती। इतने सालों तक आर्मी में काम करने के कारण हजारा सिंह अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेते थे तो एडा को उनकी बात समझ में भी आ जाती। जब ब्रिटिश अफसर बीमारी के चलते उन्हें युद्ध में नहीं भेज सकते थे, अतः उन्हें मार्च 1917 में बेल्टाना जहाज से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जून 1917 को उन्हें AIF से छुट्टी दे दी गई। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ब्रिटिश युद्ध पदक और विजय पदक से सम्मानित किया गया। हजारा सिंह ऑस्ट्रेलिया तो लौट आए पर अपना दिल इंग्लैंड में छोड़ आए। उन्हें अक्सर एडा की याद आती। चलते चलते एडा से वादा भी कराए थे, सो घर व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने वापस इंग्लैंड जाने की सोची और सितंबर 1917 को एडा के साथ शादी की। पत्नी को साथ लेकर गुंडागई में अपने घर लौट आए। जब वे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो वसंत का मौसम था। घर के बाहर लगे बोगनवेलिया और जैकरेंडा के लाल, गुलाबी, नीले फूल आंगन में झर रहे थे। खुशबूदार फूलों ने उनका स्वागत किया। पंछियों ने चहचहा कर टप्पे गाए और बारिश की हल्की फुहारों ने उन्हें पिंड याद दिला दिया। वे दौड़कर घर के बगल में बने अपने स्टोर तक गए, तेल और बेसन ले आए। उन्होंने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ जब एडा का स्वागत किया तो उसके गोरे चेहरे पर मुस्कुराहट की लाली छा गई और हजारा सिंह ने पहली बार महसूस किया कि बरसों से उनका खाली मकान अब घर बन गया है। अभी आप सुन रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच हजारा सिंह और एडा की प्रेम कहानी, जिसे लिखा था रेखा राजवंशी जी ने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मिलते रहेंगे ऐसी उम्दा कहानियों के साथ। आपका समय शुभ हो।